आप देख रहे हैं दखल न्यूज। बहुमत साबित करने के बाद उद्धव ठाकरे बोले, मुझे सदन में काम करने का अनुभव नहीं है, मैं मैदान में लड़ने वाला आदमी हूँ। वैचारिक मतभेद रखने का अलग तरीका होता है। सदन में वैचारिक मतभेदों को गलत तरीके से रखा गया, यह महाराष्ट्र की परंपरा नहीं है। मुझे गर्व है कि मैंने अपने आदर्शों का नाम लेकर शपथ ली। आदित्य ठाकरे ने बहुमत परीक्षण के दौरान अपना पूरा नाम आदित्य रश्मि उद्धव ठाकरे लिया। अबू आजमी उद्धव सरकार को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह महाराष्ट्र है जहां यूपी और बिहार के लोग काम करने आते हैं। इस बात पर सदन में मौजूद सभी लोग हंस पड़े। उद्धव ठाकरे भी मुस्कुराते हुए नजर आए। छगन भुजबल ने कहा कि फडणवीस को विपक्ष का नेता बनने में प्रतिस्पर्धा नजर आ रही है। वो अभी तक यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि विपक्ष का नेता फडणवीस होंगे या चंद्रकांत पाटिल। कांग्रेस विधायक की धमकी पर सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने पलटवार किया और कांग्रेस को चुनौती देते हुए ट्वीट किया कि कांग्रेसियों को जिंदा जलाने का पुराना अनुभव है। 1984 में सिखों को और नैना साहनी को तंदूर में जलाने का अनुभव है। मैं 8 दिसंबर शाम 4 बजे ब्यावरा के मुल्तानपुरा में आ रही हूं, जला दीजिए। गोडसे विवाद के दौरान ब्यावरा से कांग्रेस के विधायक गोवर्धन डांगी का बड़बोलापन सामने आया था और उन्होंने भाजपा सांसद प्रज्ञा ठाकुर को जिंदा जलाने की धमकी दी थी। डांगी ने कहा है कि प्रज्ञा ठाकुर कभी सामने आई तो उसका पुतला नहीं बल्कि उसे पूरा साक्षात जला भी देंगे। पूरा पुतला नहीं, प्रज्ञा ठाकुर को कभी आई भी तो हम साक्षात जला भी देंगे। प्रज्ञा गोडसे को देशभक्त बताए जाने वाले बयान को लेकर सिंधिया ने साध्वी प्रज्ञा पर निशाना साधा और कहा कि जिस व्यक्ति ने राष्ट्रपिता का कत्ल किया उसे देशभक्त कहना घोर निंदनीय है। 2014 के कार्यकाल में सदन में बीजेपी के एक सांसद ने भी गोडसे को देशभक्त कहा था, तब मैंने उठकर विरोध किया था। मैंने उन सांसद को माफी मांगने के लिए कहा और संसद स्थगित हो गई थी। अब फिर से नाथूराम गोडसे को देशभक्त कहा जा रहा है, यह प्रवृत्ति लगातार बढ़ती जा रही है। महाराष्ट्र में जो विकास गाड़ी बनी है तीनों दलों की, ये सुनिश्चित करेगी कि महाराष्ट्र की विकास और प्रगति नई शिखर पर पहुंचे। ये एक गठबंधन है राजनीति का नहीं, ये गठबंधन है विकास के लिए और प्रगति के लिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि उद्धव ठाकरे जी, राष्ट्रवादी कांग्रेस और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तीनों दल मिलकर एक नया इतिहास महाराष्ट्र में रचे। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे से गठबंधन को लेकर सिंधिया ने कहा, जो विकास की गाड़ी बनी है यह महाराष्ट्र में विकास के लिए शिखर पर पहुंचेगी। यह गठबंधन राजनीति के लिए नहीं है, यह गठबंधन है विकास और प्रगति के लिए। सिंधिया ने कहा, मुझे पूरा विश्वास है उद्धव ठाकरे और राष्ट्रवादी कांग्रेस तीनों दल मिलकर एक नया इतिहास बनाएंगे। फर्जी माइक आईडी बनवाकर घूम रहे कथित पत्रकारों से निजात पाने के लिए मध्य प्रदेश कांग्रेस ने कमर कस ली है। पिछले दिनों कांग्रेस मुख्यालय में होने वाली पत्रकार वार्ताओं में ऐसे कई फर्जी पत्रकार नजर आए, उसके बाद कांग्रेस को इन पर विचार करना पड़ रहा है। मंत्री सुखदेव पांसे की पत्रकार वार्ता के दौरान कांग्रेस की मीडिया प्रभारी शोभा ओझा भी इस सब से खिन्न नजर आईं और कॉन्फ्रेंस के दौरान कुछ फर्जी माइक आईडी उन्होंने अपने साथियों को भी दिखाई, जिसके बाद कई तथाकथित पत्रकारों से उनके संस्थान उनके कार्ड के बारे में जानकारी ली गई। कांग्रेस ऐसे फर्जियों से इस कदर परेशान है कि ऐसे लोगों को मुख्य धारा के मीडिया से अलग रखने के उपाय सोच रही है। इस मामले में कांग्रेस का परेशान होना लाजमी भी है, क्योंकि ये लोग असली पत्रकारों की जगह कब्जा करके दुकानदारियां कर रहे हैं। कांग्रेस के सूत्र बताते हैं, जल्दी ही कांग्रेस ऐसे लोगों को प्रतिबंधित कर सकती है जिनका खबरदारी या पत्रकारिता से सीधा कोई सरोकार नहीं है। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि पार्टी के ही कुछ नेताओं ने ऐसे लोगों को तवज्जो दी, अब पार्टी अपने नेताओं को भी असली और नकली मीडिया के बीच में भेद करने को कहेगी। कांग्रेस कार्यालय में जमे नकली मीडिया वालों से असली मीडिया के लोगों को भी काम करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और असल मीडिया के लोग ऐसे फर्जियों से दूरियां बनाकर रहते हैं। सिंधवा के ग्राम धवली निवासी ग्रामीण पिकअप वाहन में बैठकर महाराष्ट्र मजदूरी के लिए जा रहे थे। इस दौरान धुले से 15 किलोमीटर दूर यह हादसा हो गया। असंतुलित पिकअप वाहन पुलिया से टकरा कर नीचे नदी में गिर गया, जिससे अफरा तफरी का माहौल हुआ। इसमें मौके पर ही 7 लोगों ने दम तोड़ दिया, 19 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वाहन में कुल 22 लोग सवार थे। धुलिया के 40 गांव बिनसूर मार्ग पर बने पुल पर हुए इस हादसे के बाद तेज आवाज आई और लोगों के चीखने की आवाजें आने लगी।
पुल से गुजर रहे लोग और आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और घायलों को बड़ी मुश्किल से बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया। अंधेरा होने की वजह से पुल के नीचे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। घटना के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुल के नीचे गिरने की वजह से वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। वाहन पुल से नीचे नदी के बीच बने एक छोटे से टापू पर गिरा। गनीमत रही कि नदी में ज्यादा पानी नहीं था, वरना इस हादसे में कई लोग बह जाते। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मामले के मुख्य पक्षकार रहे श्री दिगंबर अखाड़ा के महंत सुरेश दास महाराज ने कहा कि अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री राम नवमी पर शिलान्यास करेंगे। इटारसी में सूरजगंज स्थित भरत मंदिर में ढाई दशक तक महंत का जिम्मा संभालने के बाद अयोध्या स्थित दिगंबर अखाड़ा के प्रमुख महंत परमहंस दास के निधन के बाद सुरेश दास को महंत की कुर्सी मिली थी। महंत सुरेश दास महाराज ने कहा कि राम जन्मभूमि को लेकर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद अब कोई भगवान राम का मंदिर अयोध्या में बनने से नहीं रोक सकता। महंत सुरेश दास ने कहा कि शीघ्र श्री राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट बनाया जाएगा। मोदी जी के कार्यकाल में ही राम जन्मभूमि के निर्माण होने जा रहा है। कई एक वर्षों की सैकड़ों वर्ष की समस्या का समाधान जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। न्यास जो बनने जा रहा है उसमें विश्व हिंदू परिषद का रहेंगे, निर्मोही अखाड़ा का भी रहेगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो रहेंगे ही, और दिगंबर अखाड़ा भी रहेगा क्योंकि 1949 में हमारे महाराज जी परमहंस जी ने वहाँ मूर्ति रखी थी और यहाँ तक आंदोलन पहुँचाने का श्रेय परमहंस जी का है। इसलिए जो न्यास बनेगा उसमें दिगंबर अखाड़ा भी रहेगा, निर्वाणी भी रहेगा और निर्मोही रहेगा, तीनों अखाड़े रहेंगे। महंत सुरेश दास ने साध्वी प्रज्ञा सिंह के लिए कहा कि उन्हें इस तरह के बयानों से बचना चाहिए। सांसद ओवैसी के बयान की मुस्लिम समाज 5 एकड़ खैरात में जमीन नहीं लेगा के संबंध में महंत सुरेश दास का कहना था कि अदालत ने सरकार को 5 एकड़ भूमि मुस्लिम पक्ष को देने के लिए कहा है, वे लेते हैं तो ठीक, नहीं लेते हैं तो भी ठीक। काशी मथुरा को लेकर पूछे गए प्रश्न के उत्तर में महंत का कहना था कि मंदिर निर्माण की शुरुआत के बाद काशी मथुरा के मंदिर का मामला संतों की बैठक में रखकर इस पर सर्वसम्मति से फैसला लिया जाएगा। कांग्रेस वक्त है बदलाव का के नारे के साथ सत्ता में आई और खुद के किसान हितैषी होने का दावा करती रही, लेकिन कमलनाथ जी सिर्फ एक साल में ही किसान आपकी कथनी और करनी से तंग आ गया है। अन्नदाता परेशान है और अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। आपकी सरकार अब किसानों की समस्याएं दूर करने के बजाय अपने एक साल पूरे होने पर खुद की पीठ थपथपा रही है, लेकिन किसान के हालात सुधरने के बजाय बद से बदतर होते जा रहे हैं। अनाज मंडियों में किसानों का धान या तो खरीदा नहीं जा रहा और खरीदा भी जा रहा है तो वो भी औने पौने दामों में। खरीदार किसान से अनाज तो खरीद लेता है लेकिन किसानों को उतना दाम नहीं मिलता कि लागत की रकम निकल पाए, जिसके चलते किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती हैं। धान 1550 रेट सही मिल रहा है? गलत मिले हैं, वैसे 1800 ऊपर मिलने थे। सरकारी खरीद हो रही है? सरकारी नहीं, अभी नहीं हो रही। सरकारी खरीद के क्या रेट? 1800 ऊपर है। क्यों बेच दी, सस्ती क्यों बेच दी? अब हटका के मारे बेच दी। धान लेके आज क्या रेट बिका? बिकी 1600 ही कर पाई। क्या कम रेट मिल रहे हैं क्या? रेट जी उठा रहे भाई, उठ रहे अब और कारण रेट। अब सरकारी खुल जाती तो बात दूसरी। सरकारी खरीद नहीं हो रही है? कहाँ हो रही है? सरकारी क्या रेट है मालूम नहीं, जब रेट ही नहीं यार। 1800 से ऊपर है। धान लेके क्या रेट बिकी? 1400। कमी नहीं है कच्छ मानो 1400 की बिकी। अच्छा माल है ले। अरे एक नंबर जो देखो तो क्या रेट मिलना चाहिए? तो 2000 नहीं मिल रहा है, 17-18 तो कम से कम मिलना ही चाहिए। सरकारी खरीद चालू हुई नहीं हुई? नहीं हुई अब सरकारी खरीद नहीं है। अब DAP ले चाहिए भाई, तुम बताओ। यूरिया अरे जरूरत हाँ, और बाको फायदा ले रहे हैं जी बहुत ज्यादा। कौन ले रहा है फायदा? अरे ये प्राइवेट खरीद। गाडरवारा में भी किसानों का यही हाल है, एक तो भाव नहीं मिल रहा, ऊपर से अगली फसल की बुआई करने की चिंता। ऐसे में किसानों के पास अपनी फसल कम दाम पर बेचने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है, क्योंकि अगर किसान ने ऐसा नहीं किया तो पैसों की कमी की वजह से अगली फसल की बुआई में देरी होगी। धान लेके आए क्या रेट बिकी है?
1660 बिकी। तो क्या सही रेट मिल रहे हैं? अरे जो 18 तो बिके कम से कम 18-19 का भी नहीं, 660 ले रहे 18 से ऊपर खरीद। तो सरकारी खरीद ही नहीं हो रही? अब नहीं हो रही, चालू नहीं भाई। जल्दी क्यों बेच रहे हैं? अब खर्चा लगा हम धान ले के साहब। क्या रेट में? हमारी 1431 ही बिकी है। तो कम रेट मिले? बहुत कम रेट मिले। क्या मिलना चाहिए? अरे कम से कम 18-19 तो बिकना थी, 18 ही से बिकती, वो सरकारी रेट से थोड़ी बहुत कम बिकती तो अभी चलता। वो सरकारी खरीदी चालू नहीं हुई? अभी सरकारी खरीदी चालू नहीं हुई है। क्या बोल रहे हैं? अब ये 2 तारीख के बाद, पहले 25 नवंबर से सुनी थी, अब 2 दिसंबर से बोलना सुन रहे हैं। मजबूरी में बेचना पड़ रहा? मजबूरी में बेचना पड़ रहा भाई, खाद भी सब भी लेना है ना, खर्च पानी भी लेना, मजदूरों कटाई भी देना है ना, थ्रेसरिंग बारों कटाई भी देना है। अगर प्रति एकड़ में बात की जाए तो धान उगाने में लागत मूल्य लगभग 3 से 4 हजार आता है, साथ में किसान की मेहनत जोड़ दी जाए तो आंकड़ा बढ़ जाता है, लेकिन इतना करने के बजाय किसान को उसकी फसल की कीमत महज 1500 से 1600 ही मिल पा रही है। ऐसे में फायदा तो दूर की बात है, लागत भी निकलती नहीं दिखाई दे रही। और उधर कमलनाथ जी, आपकी सरकार किसानों को बेहतर सुविधाएं देने और हर मुमकिन मदद का राग अलापते फिर रही है। किसानों की माने तो मंडी में कोई सुविधा भी नहीं है। निश्चित ही किसान बहुत परेशान है, क्योंकि पहले सुना था 25 तारीख से खरीदी शुरू हो रही है, लेकिन अभी तक नहीं हुई, और किसान मजबूरी में मंडी में बेचने के लिए जा रहा है जहाँ कि उसको कोई भाव नहीं मिल रहा है। तो किसान दोनों तरफ से परेशान है कि इतनी धान को रखे कहाँ, क्योंकि अभी तक खरीदी के बाद पैसे मिलते थे तो वो अपनी भविष्य की बौनी और बखरनी के लिए भी उसका इंतजाम हो जाता था, लेकिन इस बार ना उसके पास पैसा है, ना वो आगे की बौनी कर पा रहा है और ना ही खेती का कोई काम आगे बढ़ा पा रहा है। किसान को मार्च के बाद सिर्फ धान का पैसा मिलता है, और लगातार अगर किसान को 6-7 महीने पैसा न मिले तो उसकी आर्थिक स्थिति डगमगा जाती है, और इस समय बहुत ज़्यादा दिक्कत में है। किसान की खरीदी जल्दी से जल्दी शुरू हो और उसका भुगतान भी जल्दी से जल्दी हो। इन सब समस्याओं के तर बेफिक्र प्रशासनिक अधिकारी बात को हल्के में लेते नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि धान खरीदी की तारीख आगे बढ़ा दी गई है, जल्द ही किसानों की धान की खरीदी शुरू की जाएगी, लेकिन जब तक अधिकारी और सरकार जागेंगे तब तक किसान बर्बादी की कगार तक पहुंच जाएगा। देखिए, 2 दिसंबर से डेट निर्धारित हो गई है, हमारे यहाँ धान खरीदी शुरू हो जाएगी। तहसील गाडरवारा में 23 धान खरीदी केंद्र बनाए गए हैं जहाँ खरीदी की जाएगी, तो ये समस्या जो अभी आ रही थी धान खरीदी की वो दूर हो जाएगी। सारी तैयारियाँ खरीदी केंद्र पर हमने शुरू कर दी हैं, इसमें चाहे बारदाने की हो चाहे तोलकाटे की हो, सारी समस्याएं अभी भी वर्तमान में जो हमारे खरीदी केंद्रों पर निरीक्षण किया जा रहा है और जो कमियां हैं अभी से दूर की जा रही है ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। कमलनाथ जी, आपके अधिकारी भी आपकी तरह कुछ भी बोल दें, लेकिन इन किसानों का क्या गुनाह जो अपने खून पसीने की मेहनत को अपनी आंखों के सामने औने पौने दामों में बेच रहे हैं। कमलनाथ जी, वक्त रहते अपने सिस्टम को ठीक कर लीजिए और अन्नदाताओं की सुध लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि किसानों की नाराजगी भविष्य में आपको भारी पड़ जाए। देश भर में गोडसे को लेकर मचे बवाल के बीच ग्वालियर की कोतवाली थाना पुलिस ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे का बलिदान दिवस मनाने वाले हिंदू महासभा के 4 नेताओं को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। न्यायालय में उन्हें जेल भेज दिया। बीती 15 नवंबर को हिंदू महासभा ने दौलतगंज स्थित अपने कार्यालय में महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे का बलिदान दिवस मनाया था। इस दौरान हिंदू महासभा के पदाधिकारियों ने गांधी जी के खिलाफ आपत्तिजनक पर्चे बांटे थे। कोतवाली थाना पुलिस ने इस मामले में कांग्रेस की शिकायत पर हिंदू महासभा के पदाधिकारी नरेश बाथम और अन्य के खिलाफ धारा 153A के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस ने नरेश बाथम सहित कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने हिंदू महासभा के अन्य नेताओं की भी जल्द गिरफ्तारी की बात कही है।
नाथूराम गोडसे समर्थक थे, हिंदू महासभा वाले कार्यकर्ता, इन्होंने नाथूराम गोडसे की जयंती बनाई थी और उसको महिमा मंडित किया था। उन्हीं लोगों ने राष्ट्रपिता के बारे में अपशब्द कहे गए थे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में। इस संबंध में रविंद्र सिंह हैं, उनके द्वारा कंप्लेंट की गई थी कि इन्होंने हमारी जो गांधीवादी विचारधारा है उसको आहत किया है, अपने जो पंपलेट छापे हैं और कुछ उनके बारे में बोला गया उससे आहत किया है। तो इस संबंध में धारा 153 का के तहत प्रकरण पंजीबृत किया गया था। पूर्व में इस प्रकरण में दो आरोपी किशोर और आनंद को गिरफ्तार कर लिया गया था, कल दो आरोपी नरेश और पवन को गिरफ्तार किया गया है और न्यायालय में पेश कर दिया गया है उनको। प्रकरण की विवेचना पूर्ण कर शीघ्र इसका चालान न्यायालय प्रस्तुत किया। लोकसभा चुनाव में नाथूराम गोडसे पर दिए बयान पर विवादों में आई भोपाल की सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का भाजपा नेता डॉक्टर सीता शरण शर्मा ने समर्थन किया है। उन्होंने साध्वी प्रज्ञा को विवादास्पद मुद्दों से दूर रहने की सलाह देते हुए साफ कहा कि निजी स्तर पर सबको अपने विचार रखने का अधिकार है, जो इनका विरोध करते हैं वो नहीं जानते कि स्वर्गीय राजीव गांधी के हत्यारों से सरेआम प्रियंका गांधी मिलने जाती हैं, लोग इंदिरा गांधी के हत्यारों की पुण्यतिथि मनाते हैं, कोई एतराज नहीं उठाता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उस पर इतना हल्ला गुल्ला मचाने की आवश्यकता नहीं, सबके अपने अपने विचार होते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी देश में है, यद्यपि उस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का बहुत सोच विचार करके उपयोग करना चाहिए और प्रज्ञा ठाकुर जी ने वो उपयोग नहीं किया, दुरुपयोग किया उसका। मैं एक बात और आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ कि स्वर्गीय राजीव गांधी जी की जब हत्या हुई थी तब उनके हत्यारों से मिलने उनकी स्वयं की बेटी जाती है, क्या वो अच्छा कृत्य था? और वो 21 सुरक्षाकर्मी जो मार दिए गए स्वर्गीय राजीव गांधी जी के साथ, उनके परिवार पर क्या बीतती होगी? तो क्या महत्वपूर्ण व्यक्ति के बारे में ही कोई विचार प्रकट किया जाएगा तो उनकी भावनाओं की ठेस की तो बात की जाएगी? मैं ऐसा सोचता हूँ कि दोहरे मापदंड बंद होना चाहिए और किसी को भी ऐसी बात नहीं करना चाहिए कि वो समाज के एक बड़े वर्ग को ठेस पहुँचे। प्रज्ञा ठाकुर जी को भी मैं सोचता हूँ भविष्य में इस बात का ध्यान रखना चाहिए। भोपाल में संयुक्त संघर्ष मोर्चा के शमशुल हसन बल्ली ने अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री आरिफ अकील के निवास पर पहुंचकर फर्जी गैस पीड़ित संगठनों की जांच कर उन्हें सजा देने की मांग को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने मांग की कि भोपाल गैस त्रासदी के बाद से ही कई फर्जी संगठन भोपाल में सक्रिय हैं और अपनी जेबों को भरने का काम कर रहे हैं, जिसकी जाँच करवा कर उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। गैस राहत मंत्री जी हमारे शहर के, उनको हमने ज्ञापन दिया था कि गैस पीड़ित जो संगठन है, बाहरी संगठन है, ये बाहर से आए हुए संगठन है, ना तो इनको गैस लगी ना गैस पीड़ित से कोई वास्ता, सिर्फ अपनी दुकान चला रहा है। पिछले 35 सालों में सिवा अब्दुल जब्बार साहब के किसी ने भोपाल में कोई काम नहीं किया, जिसका जीता जागता प्रमाण आप लोगों ने खुद भी देखा होगा, घर परिवार की स्थिति क्या है, आज ये करोड़ों पति बने बैठे हुए हैं। हम चाहते हैं कि माननीय मंत्री जी से हमने बात की और ज्ञापन दिया है कि अविलंब इसकी CID जांच की जाना चाहिए और जो जहां से आया उसको वापस वहां भेजना चाहिए। बिल्कुल, श्रद्धांजलि सभा रखी है, मशाल जुलूस रखा है 2 तारीख को, 3 को हमने सर्वधर्म सभा रखी है इतवार में, जो अब्दुल जब्बार साहब के जो ख्वाब थे, जो गैस पीड़ितों की लड़ाई थी, उस लड़ाई को हम आगे ले जाएंगे। सरकार से फंड नहीं लेते बल्कि ये फॉरेन से विदेशों चंदा लाते हैं, उसके संबंध में है, निश्चित ही उसकी जाँच कराना आवश्यक है। उसके लिए UW को लिखेंगे, उसकी जांच करें। ज्ञापन तो अभी दिया है, बयान मेरा पहले आया था, ज्ञापन के संबंध में पूछ रहा हो या मेरे बयान के संबंध में पूछ रहा हो? तो उन्होंने कहा है तो मैं दिखवाऊंगा, ये मैं जांच मेरे अख्तियार की नहीं है, ये जांच कोई मध्य प्रदेश सरकार की जांच नहीं है कि मध्य प्रदेश सरकार जाँच कर ले, या EW की जाँच होगी, केंद्र सरकार की मदद से होगी, विदेशों से जो पैसे आते हैं उसके मेरे पास कोई एजेंसी नहीं पकड़ने की जब तक उनका सहयोग नहीं मिलेगा, जब तक पकड़ नहीं पाऊंगा। सिवनी में गांधी भवन इलाके से शुरुआत कर बस स्टैंड, दुर्गा चौक, शुक्रवारी नेहरू रोड की सड़क से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई। जिले के कलेक्टर प्रवीण सिंह अढ़ायच ने सभी प्रशासनिक अधिकारियों को इसके लिए निर्देश जारी किए थे, जिसके बाद खुद कलेक्टर की देखरेख में अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही प्रारंभ की गई। प्रशासन द्वारा रास्ते में किए गए सभी अस्थायी अतिक्रमण को हटा दिया गया। अतिक्रमण हटाओ मुहिम के दौरान भारी मात्रा में पुलिस बल एवं प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। अतिक्रमणकारियों ने प्रशासन की इस कार्यवाही पर आपत्ति जाहिर करते हुए कहा कि प्रशासन ने बिना कोई नोटिस दिए कार्रवाई की है, जो कि सही नहीं है। वो अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही का समर्थन तो करते हैं, लेकिन प्रशासन को उन्हें दुकान हटाने का उचित अवसर देना चाहिए था। महाजनों को किसी का नुकसान नहीं होता, सिर्फ जो नुकसान होता है वो गरीबों को नुकसान होता है। हमारा ये कहने का मतलब है, हाई कोर्ट के निर्देश है, हम उसमें सहमत हैं, इससे विरोध में नहीं है हम।
मगर कार्रवाई हो तो तरीके से हो, एक बार हो। दूसरी बार यह है कि गली बेच जैसे शहर के अंदर में अब जैसे बस स्टैंड के सामने गड़ा दिया आपने, अब शुक्रवारी है, नेहरू रोड है, अब छिनवाड़ा नाका है, इधर भी जाइए ना बरगाड़ नाका है, उस तरफ भी जाइए ना बारह पत्थर है, बारह पत्थर में तो नहीं है, गरीब लोगों के माने बर्बाद करने के लिए है। इस पूरे मामले में कलेक्टर ने बताया कि कार्रवाई निष्पक्ष तौर पर की जा रही है और शासकीय जगह पर जिन्होंने अतिक्रमण किया है उनको ही हटाया जा रहा है। नगर पालिका द्वारा पहले भी नोटिस दिया गया था लेकिन अतिक्रमण नहीं हटाया गया। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई प्रशासन द्वारा लगातार जारी रहेगी और पुनः शासकीय जमीन पर अतिक्रमण करते पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। शासकीय जमीन पर अतिक्रमण करने के मामले में शासन के स्पष्ट निर्देश है कि अतिक्रमण हटाने की जो फीस है वो भी अतिक्रमणकर्ता से वसूली जाए। इस संबंध में कईयों बार नोटिस जिला प्रशासन के द्वारा इनको दिए जा चुके हैं, नगर पालिका ने दे चुके हैं और मौखिक रूप से भी बोला गया है, व्यक्तिगत जाके भी बोला गया है, नोटिस की तामीली भी करवाई गई है, माइक से अनाउंसमेंट भी कराया गया है और सड़क सुरक्षा समितियों के अनेकों बैठकों में इस तरह के निर्णय हो चुके हैं कि ये जो सारे अतिक्रमण है अवैध है। तो चूंकि बार बार जो इस तरह की चीज़ें हो रही थी, एक्सीडेंट हो रहे थे, ट्रैफिक जाम के इश्यूज आ रहे हैं, एम्बुलेंसेज ट्रैफिक में फंस रही है, तो व्यापक रूप से जनता और जनप्रतिनिधि सभी लोगों ने यह निर्णय लिया था कि हम लोग जो है ये अतिक्रमण हटाएंगे। छतरपुर के हरपालपुर में हॉस्टल प्रबंधन की लापरवाही के चलते एक छात्र की टंकी में गिरने से मौत हो गई। हरपालपुर थाना क्षेत्र के सरसेड रोड स्थित शिवम हॉस्टल में 9 वर्षीय शिवम की संदिग्ध हालत में पानी में गिरने से मौत हो गई। हॉस्टल स्टाफ ने मृतक छात्र के परिजनों को इसकी सूचना दी जिसके बाद मृतक छात्र को नौगांव स्वास्थ्य केंद्र में पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। मृतक छात्र के परिजनों का आरोप है उनके बेटे की मौत हॉस्टल की लापरवाही की वजह से हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सरसेड गांव का एक बच्चा जिसका नाम कपिल प्रजापति है, उसके पिता का नाम राकेश प्रजापति है, जिसकी उम्र करीबन 9 साल है, शिव आवासीय विद्यालय राठ रोड में रहता था, जिसकी कल रात को पानी की टंकी में डूबने से मौत हो गई है, जिसका पीएम नौगांव में करा गया है, मर्ग डायरी आने पर उसमें अग्रिम कार्रवाई की है। प्रथम दृष्टया में जो लोगों के द्वारा जानकारी मिली है वो प्रथम दृष्टया मतलब पानी में डूबने से होगी, ऐसी कोई शंका किसी के द्वारा जाहिर नहीं की गई, बाकी मर्ग कायम हो गया है, मर्ग कायम कर जांच के लिए गया, जांच के जो भी तथ्य पाए जाएंगे उसके अनुसार वैधानिक कार्रवाई की जाए। छतरपुर में बिजावर थाने के गुलगंज रोड पर पेट्रोल पंप संचालक से बदमाशों ने 5 लाख रुपये लूट लिए। बताया जा रहा है कि 3 बाइक सवारों ने लूट के इरादे से पेट्रोल पंप संचालक रवि अग्रवाल पर हमला किया। पंप संचालक से बदमाशों ने लाइसेंसी बंदूक सहित कैश लूट लिया और फरार हो गए। घायल व्यापारी रवि अग्रवाल को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। होशंगाबाद के निमसड़िया पेट्रोल पंप पर देर रात लूट के प्रयास से पहुंचे ऑटो सवार बदमाशों ने बंदूक की बट से पेट्रोल पंप कर्मचारियों पर जानलेवा हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि मारेवा फ्यूल मार्ट पर देर रात डीजल डलवाने के बहाने 2 लोग ऑटो और 2 लोग बाइक से पहुंचे थे। बदमाशों ने डीजल डलवाने के बाद कर्मचारी के सिर पर 5 से अधिक वार किए। मदद करने निकले कर्मचारियों पर बदमाशों ने बंदूक से फायर किया, जिसके बाद पेट्रोल पंप कर्मचारियों ने साहस दिखाते हुए गोली चलाने वाले आरोपी को पकड़ लिया, लेकिन 2 बाइक सवार और ऑटो चालक फरार हो गए। कर्मचारियों ने 100 डायल को बुलाकर आरोपी को बंदूक और जिंदा कारतूस के साथ पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं घायल कर्मचारी का जिला अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। सिवनी के पेंच टाइगर रिजर्व में राज्य स्तरीय मोगली महोत्सव कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान सभी जिलों के स्कूली बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम के कई चरणों में बच्चों ने वन्य जीवन एवं जैव विविधता का अनुभव लिया। इस वर्ष सिवनी के पेंच टाइगर रिजर्व में मोगली महोत्सव कार्यक्रम किया गया, जिसमें प्रदेश भर से आए बच्चे जंगल में सफारी का आनंद उठाते नजर आए। मोगली मित्रों ने हैबिटाइट सर्वे, नेचुरल ट्रेल, अखबार लेखन, ग्रुप डिस्कशन जैसी गतिविधियों में हिस्सा लिया। इस मौके पर छात्रों को मोगली पर आधारित फिल्म भी दिखाई गई। प्रदेश के अलग अलग जिलों से आए मोगली छात्रों ने बताया कि मोगली उत्सव में शामिल होकर उन्हें प्रकृति को और करीब से जानने का सुनहरा मौका मिला। जैसा कि हमने एक्सेप्ट किया था कि पेंच अभ्यारण्य में आके हमको प्रकृति से जुड़ाव और मोगली की ये जन्मभूमि रही है, इसीलिए यहाँ पे मोगली की आवाज़ मनी मन में गूंजती रहती है। ऐसे ही हमें यहाँ पे देखने को मिला। 27 तारीख के सुबह हम सफारी में गए थे लेकिन बाघ देखने को नहीं मिला, लेकिन सफारी का जितना भी आनंद था वो हमने भरपूर लिया। बाघ के अतिरिक्त और जानवर थे वो हमें खूब देखने को मिले, जिससे हमें कई कई बातों का ज्ञान भी हुआ। सफारी में हमें नीलगाय, हाथियों का झुंड और
और आदि नीलकंठ और जंगली सूअर देखने को मिले। उसके बाद जब हम यहाँ पे आए तो शाम को जैव विविधता का क्विज हुआ, जिसमें जीव भारत तथा विदेशों में जो इतने भी जीव हैं उनके बारे में हमें विभिन्न जानकारियाँ मिली। हमें प्रकृति से जुड़ने का उससे मौका मिलता है, इसके थ्रू हमें बहुत सारी चीज़ें भी सीखने को मिलती है जो प्रकृति से जुड़ी होती है डायरेक्टली। हमें से ये सीखने को सर ने हमको बहुत कुछ नई चीज़ें सिखाई थी, जो कुछ हमें पहले से पता होती। हमने सर ने हमको बताया था कि दैनिक जीवन से जुड़े रहकर हमारी अगर दैनिक जीवन शैली भी अच्छी रहेगी ना तो हम प्रकृति से ज़्यादा जल्दी जुड़ सकते हैं, और अगर घर में ही शांति नहीं होगी तो हम बाहर कैसे ठीक रखेंगे, पर्यावरण को कैसे सुरक्षित रखेंगे। इसलिए सामाजिक प्रदूषण को दूर करना प्रकृति से जुड़ने से जुड़ने के सबसे इम्पोर्टेंट। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्रकृति से संवाद रहा, साथ ही युवा वर्ग को प्रदेश की जैव विविधता से सीधा जुड़ाव कर प्रकृति के संपर्क में लाना था। सभी प्रतियोगियों को जैव विविधता संरक्षण के प्रति जागरूक करने के लिए पार्क सफारी, नेचुरल ट्रेल, हैबिटेट सर्च, नुक्कड़ नाटक, सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ क्विज प्रतियोगिता भी कराई गई। राज्य स्तरीय मोंगली उत्सव 2019, इसमें 52 जिले के 520 शिक्षक और बच्चे शामिल हुए हैं। प्रति जिले से 8 बच्चे शामिल हुए हैं, 4 लड़कियां हैं और 4 बॉयज हैं। बच्चों के बीच में जो पर्यावरण से संबंधित जानकारियां हैं, बारीकियां हैं, जैव विविधता के संबंध में कि किस प्रकार से जंगल जो दिनों दिन काटे जा रहे हैं या पर्यावरण लोगों की जो रुचियां नहीं हैं वो उसके प्रति बच्चों को जागृत करना। मुगली बाल उत्सव 2019 का आयोजन है, राज्य स्तरीय मुगली बाल उत्सव 2019 का आयोजन है। इसमें बच्चों को प्रकृति से जोड़कर प्रकृति की जैव विविधता का ज्ञान कराया गया है। बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को जैव विविधता क्या होती है ये विभिन्न तरीकों से समझाया गया, कभी क्विज से, कभी नेचर के बीच में ले जा कर के, कभी उससे जुड़े हुए और भी कार्यक्रम आयोजित करके बच्चों को जैव विविधता से जोड़ने का प्रयास किया गया है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।